Hello guys, I am Dilip Kumar Biswas. Welcome to Learn Why TNR. आज हम सब लाए हैं Excel में भी लुकअप का 6 नंबर वीडियो. बैक टू बैक हम सब 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं. अभी छठा वीडियो लाए हैं, वो भी लुकअप. ठीक है, अभी भी लुकअप में नया क्या लाए हैं एक बार Excel सीट ओपन करता हूँ, उसका बारी हम सब डिस्कस करते हैं नया क्या लाए हैं. चलिए Excel सीट में ओपन कर रहा हूँ. देखिए एक्सेल सीट में क्या है, मेरा एक आईपीएल का जो 2020 का जो आईपीएल होने वाला है अभी तक हुआ नहीं है. कारण है, आप सबको पता ही है, लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए आईपीएल अभी तक शुरू नहीं हुआ है. बट एकदम करेंट डेटा में लाया हूँ 2020 में जो प्लेयर है. देखिए मुंबई टीम का, मुंबई इंडियंस इन 2020 ऑफ आईपीएल टीम. ठीक है ना, आईपीएल का जो टीम है, देखिए रोहित शर्मा मुंबई टीम का जो कैप्टन है, आप सबको पता ही है, तो सूर्य कुमार यादव जो भी है. यहाँ पर क्या है, मुंबई टीम का आईपीएल में जो बंदा क्रिकेट प्लेयर है उसी का लिस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है. क्या है, बैच आईडी, नेम, कंट्री, कौन सा कंट्री से बिलोंग कर रहा है. देख रहे आईपीएल में बहुत सारा कंट्री से आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है ना, तो बहुत सारा कंट्री से आता है. वो सबका डेट ऑफ बर्थ जो है, बर्थ डेट लिखा हुआ है. बैटिंग स्टाइल क्या है, बैटिंग कर पाता है या है, बॉलिंग स्टाइल क्या है, कब साइन किया है, कौन सा डेट में, कौन सा ईयर में साइन किया है. देख रहे हैं 2020 नया नया प्लेयर भी आया है मुंबई में. उसका बाद कितना कितना कंट्रैक्ट, कितना करोड़ का ऊपर कंट्रैक्ट हुआ है ना, किसको कौन सा प्लेयर का कितना ऑक्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर भी डिटेल्स है. तो छोटा सा एक आईपीएल का एमआईएस डेटा है, वो भी मुंबई में. 3 सीट लाया हूँ, 3 टीम का लाया हूँ. एक तो मुंबई इंडियंस हो गया, उसका बाद कलकत्ता, देखिए कलकत्ता नाइट राइडर्स का भी एक एमआईएस डेटा है. उसका बाद चेन्नई का भी, चेन्नई सुपर किंग का भी एक एमआईएस डेटा है. तो देख रहे हैं 3 सीट में 3 टीम का मैं डेटा लाया हूँ. तो आज क्या सीखना है, आज सर्चिंग करना है तीनों सीट से. देखिए सर्च करने के लिए मैं लास्ट में एक सीट बनाया हूँ. यहाँ पर कोई सा भी बैच आईडी जो मुंबई हो, मुंबई का बैच आईडी दो देना है, या कलकत्ता का बैच आईडी देना है, या चेन्नई का बैच आईडी देना है, जो भी बैच आईडी यहाँ पर देना है उसी का रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए. मतलब मेरा कहने का मतलब है, मल्टीपल सीट से हम सब डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे, या सर्च करेंगे, या बोल सकते हो फेचिंग करेंगे, है ना. तो मल्टीपल सीट से हम सब डेटा को कैसे सर्च करते हैं, मल्टीपल सीट से हम सब डेटा को कैसे रिट्रीव करेंगे या फेच करेंगे, तो हम सब कैसे करेंगे, आज का टॉपिक यही है. ओके, एक एक करके हम सब क्लियर करते हैं. देखिए इसको हम सब कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है एक बार देख लीजिए. एक एक टेबल में एक प्लेयर है, इसमें कितना है, 24 प्लेयर है. कलकत्ता में भी देख लेता हूँ इसमें कितना है, इसमें 22 प्लेयर है. देख रहे हैं ना, डेटा भी अलग टाइप का है, ऐसा नहीं है वहां पर 24 है तो यहाँ पर भी 24 है, ऐसा कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पर भी हम सब प्लेयर देख रहे हैं, यहाँ पर भी 24 है, दोनों में 24 है, एक में 22 है, जो भी है ऐसा डेटा है. तो इसको हम सब कैसे सर्च करेंगे, अलग सा सीट में जाके या अलग सा फाइल में भी हो सकता है. तो कॉन्सेप्ट एक ही है, मल्टीपल सीट से कैसे डेटा सर्च करेंगे. देखिए सबसे पहला काम है, इसको क्या करना है, नेम मैनेजर बना लीजिए. नेम मैनेजर बनाने से क्या होगा, बहुत फायदा होता है, बार बार आने की जरूरत नहीं है. बट अभी तो मुझे नेम मैनेजर बनाना ही पड़ेगा. ठीक है, सबसे पहले नेम मैनेजर हम सब सिखाए थे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन करके पूरा डेटा को सिलेक्शन में कर लिया हूं. पूरा डेटा सिलेक्शन हो चुका है, अभी यहाँ पर जाके क्या करना है, आईपीएल का जो टीम है उसी हिसाब से लिख देता हूँ. मुंबई का जो टीम है, हम सब टेबल बना लेते हैं, नेम मैनेजर बना लेते हैं, एंटर. तो मुंबई हो गया, तो ऐसे 3 टेबल बना लीजिए, 3 नेम मैनेजर फटाफट बना लीजिए. डेटा सिलेक्शन, नेम बॉक्स में जाना है, इसको क्या कर देना है, कोलकाता ही कर देता हूँ, हो गया. अभी चेन्नई को भी सिलेक्शन कर लेता हूँ, चेन्नई वाला जो डेटा है उसमें भी हम सब सिलेक्शन कर लिया हूँ. अभी यहाँ पर क्या करना है, इसका नाम लिख देना है चेन्नई, CHENAI चेन्नई, डबल N होगा, जो भी है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, चेन्नई कर दिया. तो 3 टेबल बना लिया, एक बार देख लीजिए 3 टेबल बना है कि नहीं, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है. हाँ, तीनों टेबल मेरा बन चुका है. पहला स्टेप यही था, टेबल बना लाए, टेबल बनाना. ठीक है ना, पहला स्टेप यही था, टेबल बनाना. तो हम सब बना लिए,
अभी देखिए क्या करना है। तो यहाँ पर क्या किया हूँ, यहाँ पर हेडिंग को मैं कॉपी करके पेस्ट किया हूँ क्योंकि यही तो डिस्प्ले करना है, तो कॉपी करके पेस्ट कर दिया हूँ। देखिए इसमें थोड़ा सा नया क्या करना है, इसमें ना एक कलम थोड़ा सा ज्यादा ऐड करना है। देखिए कंट्रोल प्लस करके मैं एक कलम ज्यादा कर दिया हूँ। इसमें क्या कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं आईपीएल टीम, आईपीएल टीम वह आईपीएल कुछ भी लिख दीजिए, आईपीएल टीम ही कर देता हूँ। इसमें हम सब आईपीएल टीम कर दिया हूँ, मतलब इसमें जब भी मुंबई होगा तो मुंबई का रिकॉर्ड आना चाहिए, कोल होगा तो कोलकाता का रिकॉर्ड आना चाहिए, चेन्नई है तो चेन्नई का रिकॉर्ड आना चाहिए। एक बार टेबल में जो बना है ना नाम चेन्नई सी एच ई एन एन चेन्नई कोलकाता आर मुंबई, क्योंकि इसी टेबल का नाम से मुझे क्या करना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो टेबल का नाम भी गलत नहीं होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि इसी से तो काम होगा, इसी से काम बनेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए ड्रॉप डाउन लिस्ट जो बनाना है ना एकदम नाम जो टेबल नाम बनाए हैं उसी का हिसाब से ही बनाना होगा। देखिए लिस्ट, अभी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोले थे, मुंबई, मुंबई हो गया कॉमा कर दीजिए, उसके बाद कोलकाता कॉमा कर दीजिए, चेन्नई सी एच ई एन एन ए आई है ना चेन्नई, ठीक है यही लिखे थे, ओके कर दीजिए। तो इसको क्या हो गया, इसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिए, कलकत्ता मुंबई और चेन्नई। ठीक है, यहाँ पर किसी का भी बैच आईडी, देखिए बैच आईडी हम सब कैसे बनाएं, मुंबई के लिए एम ट्रिपल जीरो वन करके कर दिए, एम ट्रिपल जीरो जो भी है 123 कर दिया हूँ। कोलकाता के लिए भी हम सब के ट्रिपल जीरो वन करके के करके किया हूँ, चेन्नई के सी करके किया हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम सब बैच आईडी बनाए। अभी क्या बोल रहा हूँ, किसी का भी चेन्नई का बैच आईडी डालना है तो चेन्नई वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, कलकत्ता का बैच आईडी डालना है तो कलकत्ता का रिकॉर्ड आ जाएगा, मुंबई का देना है तो मुंबई का आ जाना चाहिए। तो इसमें भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, तो ड्रॉप डाउन लिस्ट का बहुत लंबा हो जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, फिलहाल चेन्नई है तो चेन्नई का भी कोई बैच आईडी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो देखने में अच्छा लगेगा, इसको भी हम सब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अभी यही पैटर्न सब में डाल देता हूँ तो बड़ा रहेगा तो देखने में अच्छा लगता है, बस। ठीक है, अभी देखिए अभी हम सबको यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, अभी इसको हम सब कैसे सर्च करेंगे, मल्टीपल सीट से, वो भी वीलुकअप लगा के। वीलुकअप से तो हम सब सेम सीट एक सीट से सर्च करना सीख चुके हैं, कंपाइल करना सीख चुके थे। ठीक है ना, अभी इसको सर्चिंग करने कैसे करेंगे, मल्टीपल सीट, और भी सीट ज्यादा हो सकता है, और भी हो सकता है, मैं तो तीन ही लिया हूँ तो, और आईपीएल का सब जितना भी है उतना भी हो सकता है। ठीक है, तो और भी ज्यादा हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट तो एक ही है, तो इसीलिए आप सब अभी क्या करना है, कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो सबसे पहले हम सब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वीलुकअप लगाना है। देखिए वीलुकअप कैसे लगाते हैं, सिलेक्शन कर लिए, एरे वीलुकअप भी लगाता हूँ एक बार में, एरे में क्या होता है, इजी होता है। ठीक है ना, तो एरे वीलुकअप के लिए एकदम सिलेक्शन कर लिया हूँ, अभी हम सब यहाँ पर एरे वीलुकअप लगाते हैं। देखिए इजिकल टू वीलुकअप, वीएल कर दिए तो आ चुका है, लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू से सर्च करेंगे वो मेरा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, देख रहे हैं ना टेबल एरे, टेबल एरे में जितना समस्या है इसी में ही है, जितना दिक्कत है टेबल एरे में ही है, क्योंकि अभी मेरा एक टेबल तो है नहीं, तीन सीट में तीन तीन टेबल है, अभी तीन तीन टेबल को कैसे सिलेक्शन करेंगे, है ना, समझ में आ रहा है आप सबको, दिक्कत कहाँ पर हो रहा है, टेबल एरे में समस्या हो रहा है, टेबल तीन टेबल को कैसे सिलेक्शन करेंगे, वो तो संभव नहीं है। एक तो कर सकते कॉपी पेस्ट करके एक सीट में पेस्ट कर सकते हैं, वो तो और लगता है, सब आईपीएल का टीम का एक ही डेटा में मिक्स्ड हो जाएगा, मैं मिक्स्ड करना नहीं चाहता हूँ, अलग अलग टीम का अलग अलग सीट में रखना चाहता हूँ, फिर भी सर्च करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है ना इनडायरेक्ट फंक्शन, इससे पहले भी मैं दो दो वीडियो डेटा वैलिडेशन में इनडायरेक्ट फंक्शन का वीडियो ला चुका हूँ। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट फंक्शन बहुत काम का फंक्शन है, ऑलरेडी मैं दो वीडियो ला चुका हूँ, आप सब देख लीजिएगा, डेटा वैलिडेशन में इनडायरेक्ट फंक्शन है। ठीक है, तो अभी हम सब तीसरा जो अभी इनडायरेक्ट फंक्शन का तीसरा जो फंक्शन सीख रहे हैं, तीसरा सीख रहे हैं, माने इनडायरेक्ट फंक्शन लगा के कैसे हेल्प में लगाते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन को, माने हम सब थर्ड वीडियो सब कर रहे हैं, इससे पहले और वीडियो लाएंगे तो हम सब, ये थर्ड वीडियो है इनडायरेक्ट फंक्शन का ऊपर, थर्ड वीडियो चल रहा है, वीलुकअप का ऊपर तो छः नंबर वीडियो है, बट इनडायरेक्ट फंक्शन का ऊपर तीन नंबर वीडियो है, जो भी है। अभी देखिए इनडायरेक्ट फंक्शन को कैसे काम में लगाएंगे, टेबल एरे में समस्या हो रहा था, देखिए इसी समस्या को हम सब समाधान करेंगे इनडायरेक्ट फंक्शन। ठीक है, इनडायरेक्ट फंक्शन का ब्रैकेट ओपन कर दिए, फंक्शन ओपन हो गया, अभी किसको
चॉइस करना है कौन सा टेबल एरे बनाने के लिए, टेबल का हम सब ड्रॉप डाउन लिस्ट बना के रखे थे, इसको सिलेक्शन करना है। ब्रैकेट बंद, ये जो कर दिया ना, ये जो क्या हो गया मेरा टेबल एरे बन चुका है। तीन तीन टेबल का काम, तीन क्या दस बारह जितना भी हो यही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। टेबल इसको सिलेक्शन कर लिए इंडेक्स फंक्शन से, तो टेबल एरे सब एक ही फंक्शन का अंदर जो चार पांच जितना भी सीट होगा, जितना भी टेबल होगा उसको हम सब कवर कर लिए। तो टेबल एरे की जो समस्या है उसको कौन समाधान किया, उसका नाम है इनडायरेक्ट फंक्शन। अभी कॉमा कर दिए, अभी क्या बोल रहा है कलम इंडेक्स नंबर। तो कलम क्या चाहिए, तो ये डेटा में क्या चाहिए, डेटा का सब ए तो कलम एक ही था, इसमें एक नंबर कलम है, ये दो नंबर है, तो दो नंबर से चाहिए दो तीन चार पांच छ छ छ हो गया सात आठ, आठ नंबर कलम है, एक दो तीन चार पांच छ सात, हाँ सात नंबर कलम है, सॉरी दो नंबर से होगा, दो तीन चार पांच छ सात आठ, मतलब आठ नंबर कलम है। मुझे कहां से चाहिए, दो नंबर कलम से डेटा चाहिए, क्योंकि एक नंबर से तो सर्च ही कर रहा हूं। तो कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर दिए, दो नंबर कलम चाहिए कॉमा तीन चाहिए कॉमा चार कॉमा पांच कॉमा छह कॉमा सात कॉमा आठ, आठ दो से आठ नंबर कॉमा चाहिए कलम चाहिए कॉमा, कर्ली ब्रैकेट को बंद, कॉमा करके फॉल्स या जीरो कर देना है। अभी इसको ब्रैकेट को बंद, अभी क्या करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर, इसमें करना ही होगा कंट्रोल सी एंटर, नहीं तो मल्टीपल डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। कंट्रोल सी एंटर कर दिए, देखिए कितना सुंदर मल्टीपल डेटा मेरा सिलेक्शन हो चुका है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए देखने के लिए, और थोड़ा बड़ा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए बड़ा, तो पूरा डेटा आ चुका है ना। अभी किसका डेटा आया है, देखिए चेन्नई से अंबाती रायडू, चेन्नई आईपीएल का टीम का जो है चेन्नई में है, C4 कौन है अंबाती रायडू, इंडिया से बिलोंग करता है, आप सबको पता ही होगा 34 एज है, आप सबको पता है जब वर्ल्ड कप चल रहा था उसी टाइम अंबाती रायडू क्या हो गया एसी क्रिकेट से संन्यास ले लिया था, आप सबको पता होगा, ठीक है। जो भी है उसका क्या है बैटिंग स्टाइल, राइट हैंड बैट्समैन है, बोलिंग भी कर लेता होगा, राइट आर्म ऑफ है, कब साइन किया है 2018 में साइन किया है मुंबई में, ठीक है। उसका बाद क्या है, ओ चेन्नई में साइन किया है, तो पहले मुंबई में था अभी चेन्नई में आ चुका है, अभी 2.2 करोड़ से साइन है। जो भी है इसका डेटा आ चुका है, अभी देख लीजिए इसका डेटा सही से आया कि नहीं। सी चेन्नई से डेटा मैं लिया हूँ, C4 कौन है, C4 देखिए अंबाती रायडू का पूरा डिटेल्स आ चुका है, देख रहे हैं ना पूरा डिटेल्स आ गया है, तो मतलब चेन्नई से सर्चिंग हो चुका है। चेन्नई से और कोई और एक दो प्लेयर का नाम बैच आईडी दे दीजिए, 9 नंबर के देखिए 9 नंबर में कौन है सैम करन, ठीक है इंग्लैंड का प्लेयर है, देख लेते हैं सही दिया है कि नहीं। चेन्नई में जाते हैं C9 कौन है, C9 में थोड़ा सा देख लेते हैं, सैम करन इंग्लैंड का प्लेयर है, 21 साल उम्र है, ठीक है, लेफ्ट मीडियम फास्ट बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर है, अरे 5.5 करोड़ से खरीदा गया है, तो एकदम नया चेन्नई टीम में एकदम नया आया है, देखिए 2020 में ही आया, एकदम परफेक्ट डेटा है, एकदम अपडेट डेटा है, आप सब देख सकते हैं, तो एकदम आ चुका है चेन्नई वाला रिकॉर्ड। हाँ अभी मुझे अलग सीट से रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं, देखिए मुंबई अभी इसी 9 नंबर को मानिए, मुझे क्या चेंज करना है, सी को कर देना है एम, अभी एंटर, अभी जब एंटर करोगे ना इसमें डेटा नहीं आएगा, देखिए एंटर कर दिए तो डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये जो टेबल है टेबल अभी क्या है चेन्नई वाला टेबल है, ये तो मुंबई वाला बैच आईडी लिए, तो हमें क्या करना होगा मुंबई को सिलेक्शन करना होगा, मतलब मुंबई वाला टेबल को सिलेक्शन करना होगा। जब ही सिलेक्शन करिएगा देखिए ऑटोमेटिकली आ चुका है, देखिए 9 में कौन है कुणाल पंड्या है ना, इंडिया से बिलोंग कर रहा है, आप सबको पता ही होगा कुणाल पंड्या के बारे में, देखिए ये पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले हो चुका है, देखिए देख लेते हैं मुंबई वाला सही से डेटा डिस्प्ले हुआ है कि नहीं। 9 कौन है देखिए 9 एकदम कुणाल पंड्या आ चुका है, देख रहे हैं हार्दिक पंड्या का भाई है, तो आप सबको पता ही होगा, आप सब क्रिकेट देखते होंगे, तो कितना सुंदर मेरा डिस्प्ले हो चुका है। अभी थोड़ा कलकत्ता वाला भी देख लेते हैं, कलकत्ता वाला डिस्प्ले करना है कि नहीं, तो सबसे पहले इसको क्या कर देना है कॉल कर देना है, कॉल कर देना है, अभी इसमें क्या करना है 9 नंबर ही रखते हैं, अभी एम को क्या करना है, एम को थोड़ा सा यहाँ पर जाके एम को के कर देना है, देखिए 9 में कोई तो होगा ही, देखिए टॉम बैटन इंग्लैंड, ये भी इंग्लैंड का प्लेयर है, कलकत्ता में जाते हैं, 9 नंबर कौन है देख लेते हैं, 9 नंबर कोलकाता में, देखिए एकदम सही आ गया है ना, तो कितना सुंदर सर्च हो रहा है। कलकत्ता का कोई सा अलग कर दिए, 5-6 5 कर देते हैं,
देखिए इयोन मॉर्गन, ये भी इंग्लैंड का है, देखिए देख लीजिए ये दिखा सही से दिखा है कि नहीं, देख रहे हैं ना इयोन मॉर्गन एकदम कितना सुंदर मल्टीपल सीट से मेरा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, वो भी कितना छोटा फंक्शन, सबसे बड़ा है तो कितना छोटा फंक्शन, इतना छोटा फंक्शन लगा कि हम सब मल्टीपल डेटा से मल्टीपल सीट से डेटा को सर्चिंग कर रहे हैं, तो कौन हेल्प किया है, इसका नाम ही है इनडायरेक्ट फंक्शन, बहुत काम का फंक्शन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट फंक्शन से बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा ये लेके 3 वीडियो हो चुका है इनडायरेक्ट फंक्शन का ऊपर, और भी वीडियो लाना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको क्लियर हो गया होगा कैसे हम सब सर्चिंग करते हैं मल्टीपुल सीट से, मैं तो 3 लिया हूं, आप सब 3 किया 10 भी ले सकते हो, बट फंडा तो एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट है, ऐसी कॉन्सेप्ट को लगा के आप सब सर्चिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला F2 करके निकाल दिया हूं फॉर्मूला, आप सब देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है। तो आशा करते हैं आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो ओके गाइस, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, बाय।